हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं सिद्धू। पोंगल पे 7-8 फिल्म रिलीज हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा फिल्म देखे कौन सा फिल्म नहीं देखे, लेकिन एक जन को फायदा हो जाता है जो गरीब है। ठीक है भाई, इस बार भी पैसा नहीं दूंगा। मुझे यही उम्मीद था, मतलब कि आज ट्रेलर आ चुका है महेश बाबू के फिल्म का गुंटूर कारम, लेकिन एक चीज से आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि ये फिल्म हिंदी में नहीं है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है त्रिविक्रम, जो काफी प्रॉमिसिंग डायरेक्टर है। तो आओ ट्रेलर देखते हैं। చూడగానే నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఎమోషన్ చూడగానే మజా వచ్చిందా ఇచ్చేయకుండా ఏం చేస్తాడు చింపేసుకుంటా వేసుకుని చింపేస్తారా, ఎక్కడ చింపాలో ఎంత కనపడాలో అది ఎవరా లేరండి ఆ అత్తెవల ప్రైమరి ఆగిపెట్టలేదు నాకు దాని పేరు చెప్పా అతను రాయల్ సత్యం బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఈ రౌడి రమణ సినిమాస్కోప్ 70 ml ఆర్ట్ చూస్తావా मजेदार था भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। ये था कि हाँ, देखने में मजा आ रहा था पर जल्दी खत्म हो गया। मेरे को कुछ समझा तो नहीं, पर देख के ऐसा लगा एकदम एंटरटेनर एकदम। तो जुड़वास को तो नहीं फॉलो करता, तुझे भी नहीं समझा। मतलब कि गाइस, देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फैंस थिएटर में देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसी स्टोरी पहले भी देखी गई है, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा रहता है जो पहले बचपन में उसकी माँ प्यार नहीं करती, फिर उसकी माँ कोई मुसीबत में फंस जाती है, फिर बच्चा वापस से आ जाता है अपने घर को संभालने, तो कहीं कहीं ऐसा लगा। पर यहाँ पर अपने को सारे चीज देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक्शन देखने को मिलता है, रोमांस भी देखने को मिलेगा, प्लस आपको कॉमेडी भी देखने मिलेगा, और इमोशन सीन जो एंडिंग में छोड़ दिया है वो भी ऐसा लगता है कि यार सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। इस बार महेश बाबू तड़का तो लगाएंगे। और एक और बात, जो त्रिविक्रम है उनका अहिला विकंडपुरम लो, भीमला नायक ले लो, देख लो, मतलब उनकी सारे फिल्मों में आपको शोर करने को बहुत मजा आएगा, मतलब चिल्लाते हैं ऑडियंस। और इस बार तो थमन का म्यूजिक भी एकदम आग लगा रहा है, तो फैंस के लिए तो ये बवाल है भाई, मतलब थिएटर स्टेडियम बंद ही जाएगा आराम से। ऐसा लग रहा है कि यार महेश बाबू इस बार तो खेल जाएंगे, क्योंकि अगली बार तो राजामौली के साथ है ना, वहां तो खेल ही लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि कहीं कहीं श्रीलीला को क्यों डाल दिया, मतलब ऐसा लगता है कि दो स्टेप दिखा के उसको घर भेज दिया बस महेश बाबू के सामने अपने। और मुझे ऐसा लगता है कि महेश बाबू जब पैदा हुए थे तो उनके साथ बाबू इसलिए जोड़ दिया गया था कि ये बंदा कभी एजेट होएगा ही नहीं, मतलब आज भी वही क्यूटनेस है फेस पे, मतलब कि ट्रेलर वन साइडेड खा जाता है। बस ऐसा ना हो कि वही लग जाए कि भाई पहले भी ये सारी चीजें देख ले, अब कुछ अलग देखना है, बस ऐसा ना हो जाए फिल्म देखने पे मतलब यही बोलते रहेंगे शायद। वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल ट्रेलर की बात किया
जाए तो एवरीथिंग लुक्स गुड बट लेट्स सी द फिल्म, क्योंकि यार हिंदी में नहीं आ रही है, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी महेश बाबू का बहुत ज्यादा ही क्रेज है, उनको भी देखना है यार बड़े स्क्रीन पर, और यहाँ पर यही हो जाता है कि इन्हें स्क्रीन यहाँ पर बहुत कम मिलता है, लेकिन देखते हैं अगर फिल्म लगेगा तो आपको रिव्यू भी मिल जाएगा, बस आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओवरऑल देखा जाए तो सब चीज अपने जगह पे परफेक्ट था। अब फिल्म आएगी पोंगल पे तो बात किया जाएगा, मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता है अगले वीडियो में, लेकर बाय।